गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने छोटा सा, मैंने जो है अपनी बालकनी में गार्डन बनाया है, ठीक है? तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है। तो आप देखना, बताना, कमेंट जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है? तो जस्ट गो अहेड। ये आप देख सकते हो मेरे घर का छोटी सी बालकनी है, ठीक है? और ये देखो छोटा सा गार्डन, ये मैं आपको पूरा व्यू देता हूँ। ये देख रहे हो आप, ये लेफ्ट साइड में सारे जो है पेड़ हैं, जो बेसिकली होम गार्डनिंग के लिए यूज़ होते हैं। बट ये जो है ना, सारे जो हैं इनको लगभग 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले मैं इसको लाया था, तो कुछ जो है ऐसे पेड़ थे जो ख़राब हो रहे थे, उसको मैंने चेंज किया, फिर दूसरा लाया। जैसे ये वाला है, ये वाला पेड़ आप देख रहे हो, ये इसको 2 साल हो चुके हैं, ठीक है? वो सामने पेड़ है, उसको भी लगभग 2 साल हो चुके हैं। और ये मैं नेक्स्ट ईयर लाया था। तो आप देख सकते हो पूरा व्यू मेरे गार्डन का, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना यार, लाइक और शेयर तो करना भूलना ही मत। ये मैं दिखाता हूँ गाइस, ये लैम्प है। गाइस बताना कैसा लगा लैम्प। ये छोटा सा मैंने पोट टाइप का बनाया हुआ है, जिसमें मतलब ये मैंने भिंडी लगाई हुई है, ये छोटा सा टी लगाया है, ठीक है? तो गाइस ये देख सकते हो, मैं आपको पूरा प्रॉपर व्यू देता हूँ। ये देखो कैसा लग रहा है गाइस, आपको बताना मेरे को कमेंट करके। ये मैंने छोटा सा यहाँ पर मूड़ा रखा हुआ है, जो मैं अपने घर से अपने नोएडा जब आ रहा था, तो तब ये मैंने एक्सप्रेस वे से बाय किया था भाई के साथ। तो आप देख सकते हो यार पूरा व्यू, स्मॉल गार्डन ऑफ माई रूम। सो गाइज आप भी ऐसा ट्राई करो यार, इससे क्या है ना, पीसफुल लगता है माइंड। क्योंकि आपको पता है बड़ी सिटीज़ में पोल्यूशन है, और पोल्यूशन तो है ही, आपको पता ही है। और प्लस यहाँ पर जो है ऐसे ग्रीनरी मिलती नहीं है देखने को के लिए, और ऐसी ग्रीनरी देखने के लिए आपको फिर शिमला, मनाली, गोवा जाना पड़ता है, ठीक है? बट आपको मतलब अगर आप डेली ऐसी चीज़ देखोगे, ग्रीनरी एंड इस तरह से, जो मतलब आपको मन को, माइंड को सुकून करेगा, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। तो उससे आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको खुद एक पॉजिटिव वेव मिलेगी। तो गाइज ये देख सकते हो, मैं उनको ऊपर तक भी दिखाता हूँ, देख लो। ये है पूरा गार्डन। ये मेरा एसी रखा हुआ है, एसी भी आजकल ठंडी हवा बह रहा है जब से ये लगाया मैंने। गाइज आप जरूर बताना कैसा लगा आपको, आप लोग भी ट्राई करना यार इसको घर पे। छोटी बालकनी होती है, वहाँ पर आप इवनिंग में बैठ के चाय पी सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में आपके बैठ के टी कॉफ़ी पी सकते हो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। ये देख लो गाइस, ये पूरा व्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे लगता है कुछ जब मैं अपने बेड पे बैठता हूँ। ये देखो मिनी स्विट्जरलैंड। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट आई थिंक ये है कि आपको सुकून तो मिलता ही है, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम चल रहा है। गाइस जिन लोगों का वर्क फ्रॉम चल रहा है, वो लोग ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं, या जो लोग नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो लोग ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस ये देख लो फाइनल आपको व्यू कैसा लगा आपको यार, कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं यार। ये देखो यार कैसा लग रहा है व्यू आपको, ये मैंने स्टेबल कर दिया। अब ये सामने का व्यू, सामने आपको बिल्डिंग मिलेगी, घर मिलेंगे। ये देख लो सामने जो घर है, किस तरह से घर बने हुए हैं, ठीक है? अब ये मेरी बालकनी है यार, शाम को मैं आपको उसका व्यू दिखाऊंगा सामने को कैसा लगता है। बट डे का तो, दिन में तो देख लो यार कुछ इसी तरह से लगता है जैसा आप देख रहे हो यार। गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो ना, तो ज़रूर 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 कमेंट और शेयर ज़रूर करना यार। ये देखो गाइज, इस पे स्मॉल स्मॉल नींबू लग रहे हैं यार, आप देख सकते हो। और ये देखो इस पे छोटे छोटे टमाटर लग रहे हैं, ये देख लो, अभी लगे नहीं बट लगने वाले हैं। और ये देख लो, ये तो सवा शेर है यार, ये है अमरूद का पेड़, ये आप देख सकते हो। ये इस पे बीज फूल लगने लगे, तो मेरे ख्याल से 2 से 6 महीने में ये अच्छा खासा अमरूद हो जाएगा यहाँ से। मतलब आप ये देखो गाइस, यहाँ मैंने मिक्स चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन प्लांट्स हैं,
कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जो आप देख सकते, ये वेजिटेबल्स हैं जो मैंने यहाँ लगाई हुई है, वो सामने है हमारा टमाटर का पेड़, वो सामने है हमारा, ये आप देख रहे हो गाइस, ये है अमरूद का पेड़, तो मिक्स है सब चीज़ों का, ये छोटा सा पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है। तो गाइस ये देख लो यार फाइनल व्यू। गाइस अगर आपको अच्छा लगा ना तो कमेंट और शेयर जरूर करें, थैंक यू सो मच गाइस। लाइक आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने छोटा सा, मैंने जो है अपनी बालकनी में गार्डन बनाया है, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बना हुआ है, तो आप देखना बताना, कमेंट जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है, तो जस्ट गो है।